नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निया टीवी। मैं अशोक कुमार वर्मा आज आपसे मिलवाने जा रहा हूं टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के डायरेक्टर डॉक्टर अजय कुमार जी से। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारे टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ एक फिल्म फेस्टिवल करने जा रहा है, तो आज हम उनसे जानेंगे कि इस फिल्म फेस्टिवल में बच्चों को क्या फ़ायदा होगा और इस बार ऐसी क्या चीज़ है जो एक नई रखी गई है। तो मिलते हैं डॉक्टर अजय कुमार। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग टेक्निया फिल्म फेस्टिवल 2020. दिस इज द सेकेंड एडिशन इन विच द जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स आर शोकेसिंग देयर एफर्ट्स विद रेफरेंस टू वेरियस थीम्स विच आर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द नेशन एज ए होल। जो ये इन्होंने थीम बनाए हैं, बच्चों ने बनाए हैं, इसके अंदर साफ बताया गया है कि हमारे देश के अंदर कुरीतियाँ क्या हैं, उस कुरीतियों को एक माध्यम के द्वारा प्रसारित करना और बताना कि कुरीतियों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और हमारे गवर्नमेंट की कौन से मिशन स्कीम्स है, डिजिटल इंडिया मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान है, और भी जो हमारे मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो चल रहा है, इसको भी आगे जन जागृति के लिए गाँव-गाँव तक ले जाने का संदेश देना, और डेवलपमेंट हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कहाँ क्या हमारे देश का विकास हो रहा है, किस किस जगह हमारे देश ने तरक्की करी है, कौन कौन से नए आयाम स्थापित करे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे स्पेस के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे रोजगार के क्षेत्र में हो, वो सब दर्शाना, और उसके साथ सबका साथ सबका विकास जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो जी ने लेके चले थे कि सबका साथ सबका विकास, सारे देश के हर नागरिक को साथ लेके चलने का जो उन्होंने सपना 10 साल पहले हमें दिखाया था, और उसको हम कैसे क्रियान्वित कर रहे हैं, ये बच्चे अपने उसको देख के समझ के आज के समय में परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें चल रही हैं उसको ये फिल्मों के माध्यम से दर्शाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा नेचर, हमारे देश के अंदर नेचर की क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ का फ्लोरा एंड फोना, यहाँ पे फूल पत्तियाँ, जो नए नए तरह के फूल यहाँ पे उगते हैं, और जो नए नए तरह के यहाँ पे जंगली जानवर या वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे विचरण करते हैं अभ्यारण में, उनके ऊपर फिल्म दर्शाना, नई नई चीज़ों की डॉक्यूमेंट्रीज जो हो रही हैं। अभी हाल ही में हमारे देश ने मंगलयान का मिशन स्थापित किया, चंद्रयान के अंदर भी हमने काफ़ी हद तक सफलता हासिल करी, इसको दर्शाना, और कुछ एक ऐसी मूवीज़ जो कि साइलेंट है, बिना किसी शोर के समझाना, सिर्फ माध्यम हमारा इशारे होंगे, माध्यम हमारा समझने का होगा, उसको क्रिएटिविटी की तरफ ले जाना। एजुकेशन के मामले में किस तरह से हमने एजुकेट किया है, हर तरह के परिप्रेक्ष्य में एडल्ट एजुकेशन क्या है, आपका सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, और आपके वोकेशनल एजुकेशन किस तरह से, स्किल एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने बच्चों को बोला है कि आप लोग अपना कृपया करके अपना व्यक्तित्व इसके फिल्मों के माध्यम से उजागर करें, और यहाँ पे एक टेक्निया फिल्म फेस्टिवल के अंदर अलग अलग थीम्स पे फिल्में आएंगी, और इसके अंदर बहुत सारे आपके जो सेंसर बोर्ड के जो जो एक्सपर्ट्स हैं वो होंगे, और हमारे काफ़ी सारे जो फिल्म समीक्षक होंगे वो उसके ऊपर बैठ के टिप्पणी करेंगे और बताएंगे कि कौन सा फिल्म क्यों अच्छी है और क्या कारणों से अच्छी है, और उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये फिल्म फेस्टिवल हमारा सेकंड एडिशन है, तो मैं एक बात और भी जानना चाहूँगा कि इस बार जो आपने इसको ऑनलाइन जो प्रोसेस स्टार्ट किया है, जैसे कि पहले ऑनलाइन नहीं था लेकिन इस बार ऑनलाइन है, तो इस ऑनलाइन में स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट्स होंगे? जैसा कि अभी जानते हैं कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 मार्च को कोरोना आउटब्रेक पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है, तो उसके होने से हर जो व्यक्ति है अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो गया है, लेकिन जो प्रोग्रेस की गति है, जो हमारा जो काम करने की गति है वो ना रुके, और जो हमारा दिमाग में जो मंथन चिंतन चल रहा है, जो हमने काम किए हैं वो ना रुके, तो हमने इस बार सोचा है, या इस बार हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने इसको ले जाने की कोशिश करी है कि हम जो भी एंट्रीज लेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेंगे, और उसको हम यूट्यूब के माध्यम से उसको प्रचारित करेंगे और सबको दिखाएंगे, और हम वेबिनार के जैसे वेबिनार होते हैं उस तरह से हम उनको सारे एक्सपर्ट्स को अपने लिंक पे एक पर्टिकुलर टाइम पे हम सबको लिंक करके मोबाइल्स पे माध्यम से उसको हम
वर्क ऑन करेंगे और उसको हम उसको दर्शाएंगे और उसके ऊपर हम लाइक्स लेंगे। दो तरह के लाइक्स लेंगे हम, एक तो हम एक्सपर्ट्स लाइक लेंगे कि एक्सपर्ट्स ने उसके ऊपर क्या किया है, और उसके बाद हम व्यूअरशिप के ऊपर लाइक लेंगे कि इस तरह के जो व्यूअर्स देख रहे हैं उसको, उनके उनको व्यूअर्स चॉइस कैसे मिल रही है। तो दो आयाम पर हम उस फिल्म की समीक्षा करेंगे और उसको समीक्षा करने के बाद कि भाई व्यूअर्स की चॉइस क्या रहा, एक्सपर्ट्स की चॉइस क्या रहा, और उसकी नरेशन हम उसके बाद में देंगे कि भाई इसके अंदर, इस फिल्म के अंदर यही अच्छी अच्छी बातें थी और ये माध्यम बताया गया, जो कि वो मैसेज जो देना जा रही थी फिल्म वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही है, लोगों तक पहुँच रहा है वो मैसेज और लोग उसको समझ रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, अपने विचार में और अपने व्यक्तित्व में, अपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको जीवन में उतार भी रहे हैं और अपने अपने को मार्गदर्शन मानते भी अपनी जीवन शैली को चेंज भी कर रहे हैं, बदलाव भी ला रहे हैं। तो जैसा कि सेकंड एडिशन के लिए आपने इतनी सारी बच्चों को महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इससे आगे की जो प्लानिंग से जो आपका थर्ड एडिशन होगा उसके लिए आपकी क्या तैयारियां होंगी या बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अभी फिल्म फेस्टिवल जो उनका सेकेंड एडिशन जो बच्चे लोगों ने तैयार किया है, इसके अंदर हमने एक समाज के अंदर जो हमें बदलाव लाना चाह रहे हैं उसके आयामों को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई गई हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि बच्चे आगे जाके किस तरह से अपने आप को बॉलीवुड के साथ लिंकअप कर पाएँ, किस तरह से आप हॉलीवुड के साथ लिंकअप कर पाएँ, किस तरह की सिनेमाटोग्राफिक टेक्निक्स हॉलीवुड और बॉलीवुड के अंदर चली क्रियान्वित की जा रही है, आपके VHS इफेक्ट्स कैसे होते हैं, और जो हमारे अभी जो इंडियन फिल्म्स जो आ रही हैं, जैसे आपके बाहुबली 1 आई, बाहुबली 2 आई, उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, किस तरह की टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल किया गया है। आगे आगे हमारा प्रयत्न इस तरह से रहेगा कि हम फिल्मों के अंदर नए प्रयोगात्मक चीज़ें लाएं और शॉर्ट्स इस तरह से बनाएं, क्या हम मल्टीमीडिया VHF इफेक्ट्स को, टेक्निक्स को उसके अंदर ला के बता सकते हैं, क्या हम कार्टून फिल्म्स बना सकते हैं, क्या हम बच्चों, छोटे बच्चों के लिए जो 18 साल से नीचे बच्चे हैं उनके लिए हम जैसे कोई हम सीरियल बना सकते हैं, उनको समझाने के लिए कोई चीज़ ला सकते हैं। एक हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि चिल्ड्रंस कैटेगरी हम ओपन करें, जो 1 साल 2 साल के बच्चे होते हैं जो TV के आगे बैठते हैं, वो वहीं से वो चीज़ को सीखें, ताकि और सीखें और समझें और आगे जाके अपने जीवन शैली में उतारें। हम बड़े लोगों को सिखाने की बात यहाँ पर करते हैं, क्या क्यों नहीं हम उसको अर्ली स्टेज में हम उसको कैप्चर करें। तो ये बच्चे जो हैं इस तरह के सीरीज़ अलग अलग बनाएंगी, और जो बच्चे छोटे क्लास के हैं, पहली क्लास के, दूसरी क्लास के, उनको वो दिखाई जाएंगी, ताकि उनके अंदर शुरू से ही उस तरफ रुझान आए, वो अपने अंदर बदलाव करें और आगे जाके जब वो बड़े हों तो एक सभ्य समाज की रचना हो सके और हमारे बच्चों का उसके अंदर योगदान रहे कि हमने एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना करते हुए जो नई पौध हमारी आने वाली, जो हमारे देश के कर्णधार होने वाले हैं, उनको शुरू से ही हम उस तरह से पारिशोषित करें कि उसको पोषित करें कि आने वाले टाइम में वो एक हमारे लिए एक अनुसरणीय सराहनीय कार्य के रूप में प्रेषित हो।